मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है और जिसके बाद कलेक्टर ने देवर बीजा सहित कई समितियों का औचक निरीक्षण किया। जिले में 54 सहकारी समितियों के 91 धान उपार्जन केंद्रों में धान की खरीद की जा रही है। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान प्रबंधकों और ऑपरेटरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर ने एक नोडल अधिकारी को काम में लापरवाही करने पर निलंबित कर दिया है। उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए उनको निलंबित किया गया था। उसी बात को रखने के लिए उनकी कुछ जो परेशानियां थी उनको आके सारे आरईओ ने हमको बताने की यहाँ पर मतलब आए थे उसको बताने के लिए। चलिए अब देखते हैं स्वराज।